क्या प्रभास की जिद ही प्रभास को ले डूबेगी आदि पुरुष फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग इस फिल्म के टीजर में कई गलतियां निकाल चुके हैं अब तो बवाल सीता की साड़ी के कलर पर भी उठ चुका है ऐसे में लोगों का ये जो खराब रिएक्शन आया है ये मेकर्स को पता तो चल चुका है और कहा यह जा रहा था कि अब इस खराब रिएक्शन के बाद इस फिल्म पर फिर से रिवर्क होगा और वीएफएक्स का सुधार होगा वीएफएक्स के सुधार पर अब आदि पुरुष फिल्म के टीम मेंबर का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि टीम के मेकर्स इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं जो वीएफएक्स आपने टीजर में देखा वैसा ही वीएफएक्स रहेगा इस वीएफएक्स पे फिर से काम नहीं किया जाएगा इस फिल्म से जुड़े इस सोर्स ने कहा कि मेकर्स ने इसके बारे में सोचा भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इस फिल्म को बनाने में चार करोड़ लग चुके हैं ऐसे में अब एक बार फिर से वी पर काम किया जाएगा तो फिर और पैसा लगेगा फिल्म रिलीज के लिए तैयार है और जैसी फिल्म बनी है वैसी ही रिलीज की जाएगी इसमें वी का काम नहीं किया जाएगा वेल अगर ऐसा है तो आदि पुरुष फिल्म को दिक्कत हो सकती है क्योंकि सिर्फ एक्स कैसा है इसका मजाक नहीं उड़ा है बल्कि हनुमान को जो चमड़े की जैकेट पहनाई है या राम भगवान को जो चप्पल पहनाए हैं या सीता की जो साड़ी का कलर है उस पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि हमारे भगवान श्री हनुमान चमड़े की बनी चीजें क्यों पहनेंगे राम भगवान चप्पल क्यों पहनेंगे सीता मैया ने हमेशा भगवा साड़ी पहनी है और रावण के लुक की तो बात ही छोड़ दो आपको याद हो तो फिल्म आई थी पद्मावती। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की कमर दिखाई थी संजय लीला भंसाली ने जब घूमर गाना शूट हुआ था संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के अगेंस्ट काफी बवाल खड़ा हुआ था लोगों ने कहा था कि हमारी रानी पदमावती को इस तरह से दिखाने की हिम्मत भी मत करना नहीं तो स्क्रीन जला देंगे बाद में संजय लीला भंसाली को इस सॉन्ग पर रीवर्क करना पड़ा था और दीपिका की कमर पर वी किया गया था और फिर से इस गाने को रिलीज किया गया था अब सेम सिचुएशन आदि पुरुष के साथ भी हो रही है और अब मेकर्स कह रहे हैं कि हम तो वी में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे ऐसे में आपको क्या लगता है मेकर्स का ये डिसीजन फिल्म के लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें